थी। उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनके पति ज्योतिबा फुले ने पढ़ना लिखना सिखाया। उस समय जब लड़कियां को स्कूल जाने पे मनाई थी, तब सावित्रीबाई ने पहली शिक्षिका होने का गौरव हासिल किया। उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर अपनी पहली पाठशाला खोली। सामाजिक बंधनों को तोड़कर लड़कियों को पढ़ने पे सहायता की। अछूतों के लिए अपने घर पे कुआ बनाया और बच्चों को गोद लिया। In 1897, when plague hit the Pune, she carried the patient on her back to the hospital. In the process, plague caught the Savitribai and she died in March 1897. ऐसी महान व्यक्ति को हमारा नमन। मैं अपनी वाणी को भी